स्वास्थ्य एवं सद्भाव के लिए योग बहुत अच्छा विषय है। आइए आपका स्वागत। नमस्कार। भारत के राजदूत के सभी यहाँ पर उपस्थित अफसरों को, साथ ही साथ न्यायमंडल के सारे सहयोगियों को और साथ ही साथ मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं प्रभजोत सिंह एक निबंध प्रस्तुत करना चाहूँगा जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य एवं सद्भाव के लिए योग। मनुष्य का शरीर एक जटिल तंत्र है जिसमें अरबों खरबों कोशिकाओं का समावेश होता है। हमारे शरीर में सेलुलर समुदाय है। इस सेलुलर समुदाय विभिन्न ऊतकों में विभाजित होता है और व्यवस्थित होता है, और ये ऊतकें विभिन्न अंगों एवं अंगों के कार्यों में व्यवस्थित होती हैं। जब हमारे शरीर में ये सारी ऊतकें सेलुलर समुदाय कोशिकाएं एकजुट होकर कार्य करती हैं, तभी हमारे शरीर में स्वास्थ्य एवं कल्याण की स्थिति बनती है। यदि ये सेलुलर समुदाय विभाजित हो और असामान्य रूप से कार्य करे तो हमारे शरीर में स्वास्थ्य नहीं पनप सकता, बीमारी होगी, हमारे शरीर का रोग पनपेगा। इसके साथ ही जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो उससे हमारा मन तन आत्मा एकत्रित होता है, उससे सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। वास्तविक अर्थ योग का यही है कि सद्भाव में एकत्रित होना। योग की शक्ति विभिन्न अंगों एवं विभिन्न क्षेत्रों से आती है। सबसे तीन महत्वपूर्ण अंग है ध्यान, प्राणायाम एवं आसन। यह तीनों का सम्मेलन योग का हृदय कहलाता है। आमतौर पर लोग इसको योग को तनावपूर्ण मस्तिष्क एवं थके हुए लचीले शरीर को आराम देने के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि योग आराम प्राप्त करने का एक सरल तरीका है। योग आजकल थेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि योग के माध्यम से विभिन्न बीमारियों को भी मिटाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ योग एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो हमारे शरीर की विभिन्न परतों को पहचानता एवं समझता है, क्योंकि हमारा शरीर एक केवल भौतिक शरीर ही नहीं बल्कि उससे बहुत अधिक है। योग ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे हमारे शरीर में सद्भाव और स्वास्थ्य दोनों को एक साथ बढ़ावा मिल सकता है। हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म परत मस्तिष्क जब तक असंतुष्ट रहेगा तब तक हमारे शरीर में शांति की स्थिति नहीं बन सकती, और योग इस स्थिति को बनाने के लिए हमारी मदद करता है। योग के माध्यम से हमारे शरीर की सारी परतें एकत्रित होती हैं जिससे सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। पतंजलि, जो कि योग के पिता एवं सूत्र के रूप में जाने जाते हैं, उनके अनुसार योग के 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में से सबसे 3 महत्वपूर्ण अंग हैं व्यायाम, आसन एवं ध्यान। इन तीनों का सम्मेलन होता है तो जैसे मैंने पहले कहा योग का हृदय कहलाते हैं, उसी तरीके से यह सारे 8 अंग योग के साथ अलग अलग माध्यम से हमारे शरीर के अंदर स्वास्थ्य की स्थिति को बढ़ावा देते हैं। योग से बिना किसी कुप्रभाव के अकल्पनीय एवं सकारात्मक प्रभाव को हम प्राप्त कर सकते हैं। शायद ही इस विश्व में कोई ऐसी चीज हो जिसके जो योग की तरह हमारे शरीर में सद्भाव एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हो। योग के माध्यम से हमारा मन शांत, मस्तिष्क तेज एवं तन सुंदर बनता है। जो लोग योग का रोजाना अभ्यास करते हैं उन्हें जीव के कठिन कार्यों से भी छुटकारा मिल जाता है। योग करने के बाद हमारे शरीर में ऐसी खुशी की शक्ति पनपती है जिसकी कोई सीमा नहीं रहती। UN द्वारा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, और जो आज मेरे इस निबंध का शीर्षक है वही UN द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नारा भी है, सद्भाव एवं स्वास्थ्य के लिए योग। धन्यवाद। धन्यवाद।